दसवीं कक्षा की छात्रा गुलफशा पर बरसात के समय आसमानी बिजली गिर गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गुलफशा स्कूल से छुट्टी होने के बाद अपने पशुओं को चारा खिलाने के लिए गई थी। गुलफशा के पिता ने उसे लाख समझाया, लेकिन वो जिद पर अड़ी रही। जैसे ही गुलफशा अपनी माँ के साथ खेतों में पहुंची, तो अचानक तेज बारिश होने लगी और अचानक गुलफशा आसमानी बिजली की चपेट में आ गई। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही गुलफशा ने अपना दम तोड़ दिया। बेटे को इस कदर खोने से पूरा परिवार शोक में डूबा हुआ है। परिवार के लोगों का कहना है कि उनकी चार बेटियां हैं और पांच बेटे हैं, लेकिन गुलफशा बेटी सभी बेटियों में सबसे पढ़ाई में अच्छी थी। बिजली को अल्लाह को ऐसे हो कड़क दें सुई बिजली तत्राज मैं भी अल्लाह कर रहा हूँ बैठ बैठो हूँ इस बिस रोल मची जहाँ हम भागे तो मैंने आग उठाई छोरी तो छोरी में कुछ नहीं सारा लत्ता जल गया कहीं कपड़ा ने और पढ़ाई में बहुत तेजी बस अल्लाह को हुक्म हो भाई क्या कोई वक्त हो कुछ नहीं जी बस खुदा की कुदरत है जी। यहाँ से ये तो लड़की पढ़ने वाली छात्रा है और यहाँ से तो पहली बार गई, बस इसकी ऊपर वाले ने ये लिखी हुई अपने माँ बापन के साथ में जंगल को गई चारा लाने के लिए। चारा लेकर के जैसे चली वहाँ व्हीकल खड़ा था उस पर लेकर आ रही थी, बस बीच में ऊपर वाले खुद बूंदाबांदी हो रही थी बिजली पड़ गई। मैं उठा करके वहाँ पे भाई बिजली पड़ने के बाद में जब उसके साथ और है वहाँ पे गांव के तकरीबन कोई छः सात बंदे और पड़ोसी भी थे, उन्होंने उठा करके संभाल करके भाई सब को लाए रास्ते में इसने दम दे दिया। गुलफशा की मौत से परिजनों में मातम पसरा हुआ है। बेटी के गम में माँ का रो रो कर बुरा हाल है। पूरा परिवार बेटी के दूर जाने के गम में है। आसमानी बिजली भले ही गुलफशा पर गिरी हो, लेकिन उसके परिवार जो कुदरत ने कहर ढाया है उससे पूरा परिवार शून्य में चला गया है। नूह से एके बघेल, पंजाब के स्टूडियो टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।